हाय फ्रेंड्स, आज मैं आपको बिहार वेटनरी कॉलेज की जो क्लिनिक कॉम्प्लेक्स है, वेटनरी क्लिनिकल कॉम्प्लेक्स, उसका टाइमिंग्स और उसका सारा फैसिलिटी जो अवेलेबल है बिहार वेटनरी कॉलेज में, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूं। आप देख सकते हैं यहां से ओपीडी के स्टार्ट होती है और यहाँ अपना अपना पेट जो है ओनर्स अपना पेट को लेकर के आए हुए हैं। ओपीडी एक्चुअली लेफ्ट साइड भी है और राइट साइड भी है। यहाँ मेडिकल शॉप भी आपको मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा जो क्लिनिक्स का क्या टाइमिंग है, तो मैं देख बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन टाइमिंग जो है 9:30 AM से स्टार्ट होती है, 1 PM तक चलती है। फिर ओपीडी टाइमिंग जो है 9:30 से 1:30 तक। इमरजेंसी रजिस्ट्रेशन 2:30 से 4:30 तक। इमरजेंसी ओपीडी 2:30 से 5 PM तक। और फिर सैंपल कलेक्शन जो होता है वो सुबह 9:30 से स्टार्ट होती है 1 बजे तक, और फिर जो है 2:30 बजे से 4 बजे तक। लंच टाइमिंग जो है 1:30 से 2:30 PM तक चलती है। यहीं बगल में जस्ट रजिस्ट्रेशन काउंटर के बगल में मेडिकल शॉप है, वहाँ से आप मेडिसिन उपलब्ध कर सकते हैं। यहाँ पे लार्ज एनिमल ओपीडी है। यहाँ वेटनरी मेडिसिन ओपीडी है स्मॉल एनिमल्स की। स्मॉल एनिमल्स में मेनली पेट आते हैं, डॉग। और यहाँ ओपीडी नंबर 2 है, मेडिसिन ओपीडी नंबर 2। यहाँ सैंपल कलेक्शन और टेस्ट रिपोर्ट्स यहीं आपको मिलेंगे। फिर यहाँ मेडिसिन ओपीडी नंबर 1 है, देख सकते हैं। फिर यहाँ आपको एक्सरेज की स्मॉल एनिमल एक्सरे रूम है। यहाँ पे एक्चुअली फ्रैक्चर्स या बोन फ्रैक्चर्स या बोन क्रैकिंग जो भी होता है उसका यहाँ पे एक्सरे किया जाता है। और मैं आपको ऑब्स्टेट्रिकल म्यूजियम ले जा रहा हूँ। अब देख सकते हैं ऑब्स्टेट्रिकल म्यूजियम्स में जो है स्टूडेंट्स के लिए जो है कॉम मॉडल को लाया गया है। पहले बिहार वेटनरी कॉलेज में कॉम मॉडल नहीं थी, लेकिन कुछ ईयर पहले 2 ईयर्स पहले बिहार वेटनरी कॉलेज के अंदर ये फैसिलिटीज उपलब्ध करवाई गई है। जो कॉम मॉडल पे जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए उस पर प्रैक्टिस की जाती है। स्टूडेंट्स ने अपने अपने तरीके से मीन्स कॉम मॉडल पे जो है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए प्रैक्टिस करते हैं, देन लाइव एनिमल पे करते हैं। फिर यहाँ पे मैं आपको ले जाऊँगा क्लिनिक्स की ओर। देख सकते हैं यहाँ लैप्रोस्कोपी सेंटर भी है। यहाँ पे सारे वेटनरियंस जो है अपना मीन्स जो भी पेट आए हुए हैं उस पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, और नर्स अपना अपना पेट लेकर के आते हैं ट्रीटमेंट करने के लिए। यहाँ देख सकते हैं इंजेक्शन दिए जा रहे थे। फिर मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ। यहाँ देख रहे हैं आप गॉट आए हुए हैं। ये सब 4th ईयर स्टूडेंट्स हैं, प्रैक्टिस के लिए आए हुए हैं। मैं आपको स्मॉल एनिमल ऑपरेशन हॉल लेके चलता हूँ। ये प्रिपरेशन रूम हुआ। प्रिपरेशन रूम में एनिमल्स को सबसे पहले प्रिपेयर किया जाता है फॉर ऑपरेशन। और यहाँ देख सकते हैं आप एनेस्थीसिया मशीन हुई है आपको। सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है यहाँ पे। अब मैं आपको ग्रूमिंग सेंटर ले चलता हूँ। एक्चुअली ये वेटनरी क्लिनिक की जो मेन गेट है वहाँ से आपको राइट की तरफ जो है ग्रूमिंग सेंटर है, जिधर सर्जरी रेडियोलॉजी की डिपार्टमेंट है। देख रहे हैं यहाँ कैनाइन ग्रूमिंग सेंटर है। सारे फैसिलिटीज जो है रेगुलर बाथ ग्रूमिंग है, एंटीटिक बाथ ग्रूमिंग है। यहाँ अंदर की ओर ले चलते हैं आपको। इसलिए भी कैनाइन ग्रूमिंग सेंटर जो है ये बंद पड़ी थी रूम, तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो डाल दूंगा उसका। और यहाँ पे सारे रेट चार्ट देख सकते हैं। रेगुलर बाथ ग्रूमिंग जो है 500 रुपीज़ है। एंटीटी बाथ ग्रूमिंग सेंटर जो है ग्रूमिंग
वो 800 है, मेडिकेटेड बाथ एंड ग्रूमिंग जो है 600 है, हेयर कटिंग 500 है, नेल ट्रिमिंग जो है 100 है, ईयर क्लीनिंग 200, ग्रूमिंग 200, ड्राई बाथ। थैंक यू फ्रेंड्स, इसी तरह मेरा वीडियो देखते रहिए और सारी जानकारी आपको देते रहेंगे। थैंक यू।